एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। इट्स ऐश्वर्या बसलियाल हियर। होप यू ऑल आर डूइंग इट। सो जैसे कि आप लोगों ने व्लॉग्स वगैरह ने देखा होगा कि हम आए हैं गोवा, तो हम लोगों का दो दिन का स्टे था द ललित होटल गोवा। तो अभी मैं आपको देने वाली हूँ पूरे होटल का टूर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंटर करते ही हमारे पास ये है फाउंटेन एरिया। यहाँ पर पूरा ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। और यह है होटल का आउटर लुक, यह है इसकी मेन एंट्रेंस। यहाँ से आता है सबसे पहले हमारे पास रिसेप्शन और उसके पीछे हमारे पास है सारे रूम्स। सो चलते हैं अंदर। यह है होटल का रिसेप्शन एरिया जो कि बहुत ब्यूटीफुल और एकदम वेल मेंटेन्ड है। आप खुद देख सकते हो, लाइक बालकनी, शैंडलर्स, फाउंटेन। और ये एरिया ना काफ़ी बड़ा है। इस होटल की वाइब ना काफ़ी ओल्ड और लाइक पोर्टुगीज स्टाइल वाइब है, जो कि गोवा का ओल्ड वाइब थी यहाँ की, तो पूरे उसी थीम में बना हुआ है और जो कि बहुत प्रिटी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ललित होटल का लग्जीरियस एंड बिग साइज़ रूम। सो एंटर करते ही सबसे पहले हमारे पास है सिटिंग एरिया, जहाँ पर हमारे पास है एक मिरर और पीछे हमारे पास टेबल है, चेयर है और यहाँ पर हमारे पास एक विंडो है। और रूम पर एंटर करते ही हमारे पास सबसे पहले है कबर्ड, तो इस कबर्ड में हम अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। इस कबर्ड में भी हमारे पास बाथरूम अवेलेबल है, यहाँ पर हमारे पास सिक्योरिटी लॉकर है। इसके बगल में हमारे पास स्पेस है जहाँ पर हम अपना सामान रख सकते हैं, जो भी हमारे पास लगेज है। और सामने हमारे पास है ड्रेसिंग एरिया जिसका मिरर भी काफ़ी बड़ा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वॉशरूम, जो कि काफ़ी क्लीन और एकदम बहुत प्रिटी सा वॉशरूम था यहाँ का। सामने हमारे पास यहाँ पर है शावर एरिया, यह है सीट एरिया और यह है यहाँ का बाथटब। यहाँ के सारे रूम्स में बाथटब है ही, तो काफ़ी अच्छा वॉशरूम है यहाँ का भी। सो अब हम चलते हैं रूम की तरफ। रूम पर एंटर करते ही सबसे पहले हमारे पास है किंग साइज बेड। इसके बगल में हमारे पास बेड साइड टेबल्स है, लैम्प है। सामने हमारे पास एक सुंदर सी गोवा की पेंटिंग लगी है। यहाँ पर पास टीवी, सिटिंग एरिया, स्टडी एरिया सब कुछ है। और यहाँ से हमारा आता है बालकनी एरिया, जो कि काफ़ी बड़ी विंडो है इसके पीछे भी। सो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की बालकनी। सो बालकनी वैसे अभी तो नाइट टाइम हो रहा था, बट बालकनी मैं आपको फिर भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। यह है यहाँ की काफ़ी मतलब ओपन बालकनी थी, काफ़ी बड़ा साइज़ था बालकनी का भी। सो अब चलते हैं रूम पे। सो यह है यहाँ का बिग साइज़ रूम, जो कि सही में काफ़ी बड़ा रूम है। और मैंने आपको बताया था यहाँ की वाइफ काफ़ी पोर्टुगीज स्टाइल है, जो कि डिफरेंट और काफ़ी अच्छी लग रही है। होटल का एरिया काफ़ी बड़ा है, इट्स लाइक 85 एकर्स की ये पूरी ज़मीन में ये पूरा होटल बना हुआ है। और यहाँ पर काफ़ी बड़ा गोल्फ बॉल एरिया भी है, लाइक जो साउथ गोवा की वाइब है ना, काम ब्यूटीफुल, पूरा होटल उसी उसमें बना हुआ है, बहुत सुंदर है। अभी मैं जा रही हूँ बीच की तरफ, इनका प्राइवेट बीच भी है। और ये हम पहुँच चुके हैं अपने बीच में। वही कितना सुंदर है, वाह क्या मस्त लहरें आ रही है। साउथ गोवा के बीचेस काफ़ी क्लीन है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ गोवा। काफ़ी क्लीन वाटर था यहाँ का, और फिर हमने थोड़ी देर पानी में करी थी मस्ती। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का स्विमिंग पूल, जो कि काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है। इट इज़ अ बिग साइज स्विमिंग पूल और यहाँ पर डिफरेंट लेवल ऑफ वाटर है। जो आपको ब्रिज दिख रहा है उसके दूसरी साइड भी पूल ही है। और यहाँ पर हमको साइड में शेड्स मिल जाएंगी, चेयर मिल जाएंगी, काफ़ी ट्रीज़ लगे हुए हैं इसके आसपास, जो कि बहुत प्रिटी लगता है। ये आपको यहाँ पर देखो पानी के अंदर ही आपको बार एरिया भी मिल जाएगा। स्विमिंग पूल के साइड में ही हमारे पास यहाँ पर चेंजिंग रूम भी अवेलेबल है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का बूफे एरिया, जो कि स्विमिंग पूल के जस्ट सामने है। ये एरिया भी काफ़ी बड़ा, एकदम राउंड ओपन एरिया है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो। और ये हमारा फूड था। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का मॉर्निंग बूफे। सबसे पहले हमारे पास जूस थे, यहाँ पर फ्रूट्स रखे हुए थे। नेक्स्ट हमारे पास चाय स्टॉल, यहाँ पर हम अपनी कस्टमाइज चाय बना सकते थे। यहाँ पर हमारे पास ब्रेड्स के ऑप्शन थे, पैनकेक्स, वॉफल, सारा बेकरी आइटम था यहाँ पर हमारे पास। नेक्स्ट था हमारे पास सैंडविच स्टेशन, यहाँ पर ऑमलेट भी बन रहा था। और यहाँ पर हमारे पास आलू भाजी, उपमा, पाव भाजी वगैरह, लाइक सारी चीज़ें अवेलेबल थी। यहाँ पर पराठे थे अलग अलग टाइप के, पोहा था, हलवा था, एवरीथिंग वाज देयर। यहाँ पर हमारे पास पकौड़ी, कचौड़िया, और यहाँ पर आगे हमारे पास डोसा स्टेशन था। डोसे के बगल में ही हमारे पास इडली भी अवेलेबल थी। यहाँ पर हमारे पास टिक्की वगैरह, और लास्ट में हमारे पास था चौकोज, मूसली, कॉर्नफ्लेक्स वाला एरिया। और ये है हमारे होटल की गैलरी, जो ये दोनों साइड है। ये है रूम्स, और काफ़ी क्योंकि बहुत बड़ा होटल है तो मतलब बीच बीच में ऐसे स्टेयर्स है नीचे जाने के लिए। नीचे पूरा गार्डन एरिया है, हर जगह इतनी ग्रीनरी है कि बस पीस मिल जाएगा पूरा यहीं आपको। और ये है नीचे वाला एरिया, यहाँ से आप देख सकते हो जो चारों तरफ है, चारों तरफ रूम्स ही रूम्स है। और यहाँ स्टेयर से भी मैं नीचे आई हूँ, पूरे उसमें ऐसी ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, हर जगह ऐसी ग्रीनरी है। जितना भी ओपन एरिया ना, पूरा ग्रीनरी है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे गेम्स वगैरह भी है, जैसे कि मेज़ है,
यहाँ से एंट्री है पूरा ऐसे उन्होंने बना रखा है, तो दूसरी साइड से वहाँ पर एग्जिट है। काफ़ी मस्त है ये वाली चीज़ भी। सो ये जो दिख रहा है ना आपको वो वाला एरिया, वो पूरा गोल्फ कोर्ट वाला एरिया है। ये है हमारा स्विमिंग पूल एरिया जो कि काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट भी है, आराम से बैठ के चिल कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास चेस, उसके बगल में हमारे पास टारगेट शूटिंग भी है, आर्चरी का भी ऑप्शन है। और यहाँ पर हम लोग यहाँ से टॉवल वगैरह ले सकते हैं जो भी लोग पूल में जाए उनके लिए। सामने चेंजिंग रूम है, उसके सामने शावर वगैरह लगा हुआ है। काफ़ी अच्छा है सब यहाँ पर, मतलब वेल अरेंज्ड है, स्पेस बहुत है यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर ना साइकिलिंग से भी जा सकते हैं, उधर साइकिल का भी ऑप्शन है यहाँ पर। और पूल के बगल से ही रास्ता जाता है जो हमारा डायरेक्ट बीच एक्सेस देता है। और या तो हम पीछे के साइड से भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी एक गेट है जहाँ से हम डायरेक्ट पूल जा सकते हैं, पूल नहीं बीच जा सकते हैं, सॉरी। ये सामने आप देख सकते हो, सामने वो बीच एरिया है। उससे पहले ही हमारे पास यहाँ पर गोल्फ बॉल वाला एरिया है, ये पूरा का पूरा काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और इस साइड भी है। और फिर चलते हैं सामने। और अब मैं आ गई हूँ बीच साइड वाले कैफ़े में जिसका नेम है कॉर्टास। और इसकी एंट्रेंस में यहाँ पर सबसे पहले हमको बोट रखी हुई है। और ये इसका आउटर लुक है जो हमारा यहाँ वाला कैफ़े, तो अभी चलते हैं इसके अंदर। और ये है हमारी एंट्रेंस बीच साइड कैफ़े के लिए, काफ़ी बड़ा कैफ़े है। और सामने स्टार्ट होता है हमारा प्राइवेट बीच, और ये स्टार्ट होता है हमारा प्राइवेट बीच जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं नारियल पानी जूस वगैरह के लिए। यहाँ पर पूरा ऐसा शेड वाला एरिया भी है, और सामने हमारे पास बीच, एकदम क्लीन एंड प्राइवेट बीच जो कि सबसे बेस्ट पार्ट है यहाँ की। मतलब इतना अच्छा लग रहा है, एकदम खाली बीच, अपना बीच। और ये बीच एरिया में यहाँ पर हमारे पास फ़ोटो बूथ वाला सिस्टम भी है जो कि ये हर जगह साउथ गोवा में प्रेजेंट है, यहाँ पर भी है। अब हम आ गए हैं बीच साइड से वापस, और अभी हम वापस से स्विमिंग पूल वाले एरिया पे पहुंच चुके हैं। बाकी इस साइड सेम रूम्स है। अभी हम रिसेप्शन एरिया जा रहे हैं और अभी हमारा चेकआउट का टाइम भी हो गया। रिसेप्शन एरिया के ही साइड में हमारे पास एक और सिटिंग एरिया था जिसके सामने थी ये शॉप। यहाँ पर इस शॉप में हमारे पास काफ़ी सारे स्विम वेयर्स, कवर अप, सनस्क्रीन, हैट वगैरह सब कुछ अवेलेबल था। ये है यहाँ का फ्रंट साइड वाला एरिया, और ये भी पूरा एकदम ग्रीनरी सा है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर हमारे पास फिश पॉन्ड, और इसके ही बगल में हमारे पास यहाँ पर फाउंटेन एरिया था। और जो ये आपको साइड में दिख रहा है ना, पूरा गोल्फ बॉल वाला एरिया ही है यहाँ का जो कि काफ़ी बड़ा है। और जो ये आपको फिश पॉन्ड दिख रहा है, इसमें काफ़ी सारी छोटी फिशेज, बड़ी फिशेज, बहुत सारी फिशेज थी इसके अंदर। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। होप यू लाइक दिस व्लॉग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलते हैं अगले व्लॉग में जल्दी ही। बाय बाय।